Hello everyone, welcome to my channel and here I am with a video of those places which are unknown and endowed with raw beauty, unusual cultures and also offers some much deserved peace with a whole lot of action. If you are tired of the usual tourist hotspots and a craving to experience something unusual and unknown, then please do watch my full video and get a virtual tour of this beautiful and unknown places in India. First, we have Pooler. भारत के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है पूवर। द बीचेस हियर आर क्लीन एंड ब्यूटीफुल। यदि आप यहां अपनी अगली यात्रा की योजना कर रहे हैं, देन डू स्पेंड सम टाइम एंड रिलैक्स एट द पूवर बीच। एंजॉय बोटिंग ड्यूरिंग योर विजिट टू दिस ब्यूटीफुल विलेज। विजिट द अजीमाला शिव टेम्पल एंड ऑल्सो यू कैन एंजॉय द लोकल क्विजीन एंड फ्लेवर ऑफ द प्लेस। इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छी समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है। नंबर टू, मलाना, हिमाचल प्रदेश। इन अ मूड फॉर मिस्ट्री एंड माउंटेन्स, देन यू मस्ट विजिट मलाना, जो नॉर्थ ईस्ट कुलू वैली में एक प्राचीन और आइसोलेटेड गांव है। यदि आप इस जगह की यात्रा कर रहे हैं, देन डू ऑप्ट फॉर द 17 किलोमीटर ट्रैक टू कासोल ओवर द ऑ इंस्पायरिंग रसोल पास विद अ स्टॉप ओवर एट द रसोल विलेज। टू कैरी योर पासपोर्ट एज देयर आर मेनी चेक पॉइंट्स। You can also opt for the easiest trek, which is from Jari to Malan, with beautiful waterfalls along the 6 hours hike. इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छी समय मार्च से जून और सितंबर से अक्टूबर का है। Number 3, मुनसियारी कुमायोन। ये तिब्बत के प्राचीन साल्ट रूट पर स्थित है and is number 1 on my list of most beautiful villages in India. This place is a delight for nature lovers and adventurers. तो यदि आप इस जगह का यात्रा करते हैं, then for more adventure, you must try out the glacier treks to Milam and Ralam. You can also witness the magnificent view of the Panchacholi peaks on an easier 2-day trek to Khulia Top. Or you could just simply laze around doing nothing at all as Munsiyari paints a gorgeous picture with its pink golden dawns and crimson sunset. इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छी समय मार्च से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच है। नंबर 4, मालिनोंग, मेघालय। ट्राइबल, मिस्टी, क्रिस्टाइन एंड स्क्वीकी क्लीन। वेलकम टू मालिनोंग इन मेघालय। तो यदि आप यहाँ अपनी अगली यात्रा का प्लानिंग करते हैं, देन यू मस्ट एक्सपीरियंस द रिच वाइल्डनेस ऑफ दिस प्लेस बाई ट्रेकिंग फ्रॉम मालिनोंग टू द लिविंग ब्रिज and back with a picnic stopover at the scenic waterfalls. I would refer the travelers to stay in homestays on stilts and get treated to some delicious local cuisines. इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छी समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच है। Number 5, नाको, लाहौल स्पिति। नाको आपको ये विश्वास दिला सकता है that you have landed on the moon. तो यदि आप नाको का यात्रा करते हैं, देन यू मस्ट विजिट द एंशिएंट मोनेस्ट्री एंड आल्सो एक्सपीरियंस अ बोट राइड इन द नाको लेक ड्यूरिंग समर एंड आइस स्केटिंग ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। और आप यहां से 70 किलोमीटर दूर टाबो की यात्रा भी कर सकते हैं, व्हिच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद अ मोनेस्ट्री बिल्ट इन द 9th सेंचुरी AD। यू कैन आल्सो टेक इन लद्दाखी लाइफ एंड एक्सप्लोर द विलेजेस, stone houses, monasteries and fields. इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छी समय जुलाई से अगस्त के बीच है। Number 6, याना, कर्नाटका। याना sit against the सह्याद्री mountains amazes you with its towering monolithic rock formation. This little village of Gokarna is hidden away in the forest and in it lies a secret. The Vibhuti Falls nearby is an amazing spot to camp out under the stars. This place is popular throughout the year, but best time to visit it is January, September and October. Number 7, Khimsar, Rajasthan. Nestled in the Thar Desert, one can enjoy the true color and essence of the desert state here at Khimsar. Yadi aap is jagah ki yatra karte hai, then you must enjoy the desert safari and also explore the Khimsar Fort. इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छी समय नवंबर से फरवरी के बीच है। Number 8, we have Lander, Uttarakhand. ये जगह धीरे धीरे एक
लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में उभर रहा है। दिस लिटिल सरीन माउंटेन विलेज गॉट इट्स फेम फॉर बीइंग होम टू रस्किन बॉन्ड द फेमस ऑथर। यदि आप इस जगह की यात्रा करते हैं देन यू मस्ट हेड टू द आईवी कॉटेज एंड विटनेस रस्किन बॉन्ड स्पॉट वेयर ही रोट हिज फेमस स्टोरीज। Do visit the Chaat Dukaan area to witness historic shops. You can also pray at the colonial era churches. And I would recommend to relish the yummy jams and marmalade at Prakash's store. इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छी समय अप्रैल से जून के बीच है। Number 9, we have Mandwa, Rajasthan. This place has a vibe and charm on its own. 18th सेंचुरी में स्थापित मांडवा शुरू में राजस्थानी मर्चेंट्स का घर हुआ करता था। इन द प्रेजेंट डेज देयर आर ग्रैंड हवेलीज एंड मैंशंस दैट एक्ट एज एन एग्जांपल ऑफ देयर लाइफस्टाइल। यदि आप यहां अपनी अगली यात्रा का योजना करते हैं देन डू एक्सपीरियंस द देवर लोकल राजस्थानी क्विजींस, सोक इन द ब्यूटी ऑफ ग्रैंड हवेलीज, विटनेस एंड एक्सप्लोर द हरलाल का वेल, and you can also indulge yourself at shopping in the nearby local markets. इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छी समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। Lastly, number 10, we have Gokarna, Karnataka. This coastal region is a great escape from the busy city life. The environment here is lovely and the place has amazing food scents. One can find all the major cuisines here at the sacks on the beaches. तो अगर आप इस जगह का यात्रा करते हैं देन यू मस्ट एंजॉय अ फेरी राइड इन द सी, कैंप एंड स्टे इन अ टेंट ऑन द बीच, ट्रेक टू हाफ मून बीच एंड पैराडाइज बीच व्हिच इज नॉट एक्सेसिबल बाय मोटरेबल रोड्स, वॉच द शिमरिंग सनसेट एट द ओम बीच एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय अ मील और अ कैंडल लाइट डिनर एट द मंत्रा कैफे एट जोस्टेल। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च।